अरविंद स्वामी का जन्म 18 जून 1970 को भारत में तमिलनाडु के तिरुचि में हुआ था और दिन गुरुवार था। वह 49 साल के हैं। अभिनेता चेन्नई में रहते हैं। स्टार चेन्नई के शिक्षा स्कूल गए हैं। उसी शहर में उन्होंने डॉन बॉस्को मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल नामक एक अन्य शैक्षणिक संस्था में दाखिला लिया है। चेन्नई के लॉयलो कॉलेज से अरविंद स्वामी ने बीकॉम किया है। उनके पास इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर की डिग्री भी है। 1994 उन्हें कार्ती राममूर्ति से शादी कर ली है। हालांकि 2012 में अपनी मुखर्जी उनकी दूसरी पत्नी बनी है और वह वकालत करती है। उनके बेटे का नाम रुद्रा है और बेटी का नाम अधीरा है। दिलीप कुमार कहे जाने वाले अभिनेता ने उन्हें जन्म दिया है। हालांकि व्यवसायी वीडी स्वामी और उनकी पत्नी सीवीएस वस्तु स्वामी जो भारतनाट्यम में रुचि रखते हैं उनका पालन पोषण किया है। 1991 में अरविंद स्वामी ने थलापति नामक फिल्म में अपनी शानदार भूमिका के साथ तमिल उद्योग में प्रवेश किया। यह मणिरत्न नामक एक प्रतिभाशाली निर्माता की परियोजना थी जिसमें उन्होंने फिल्म के माध्यम से स्टार के सिनेमा की दुनिया में लाया। अगले वर्ष अभिनेता ने डीडी नामक उत्सुक कृति के साथ मलयालम फिल्म उद्योग में कदम रखा। तेलुगु दर्शकों के लिए सिल्वर स्क्रीन पर कलाकारी की पहली उपस्थिति मौनम नामक सिनेमाई अनुभव के माध्यम से हुई थी। अभिनेता वर्ष 1998 सात रंग के सपने के माध्यम से बॉलीवुड फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। वर्ष 2012 में अरविंद स्वामी के प्रशंसकों ने उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर निगलम में वेलालम्बा ओरु कोडी नामक शो में देखने का आनंद लिया। भूतपूर्व बहुमुखी प्रतिभा के धनी मणिरत्न नामक निर्माता की फिल्म कदल में अपने अभियान की झलक दिखाई। 1992 में उन्होंने रोजा में अपनी अभियान क्षमता का प्रदर्शन किया और कुछ साल बाद रत्न में सिनेमाई अनुभव अलाई पथियो में प्रदर्शन किया। तमिल उद्योग में सिनेमाई अनुभव थानी ओरुवाना के लिए अरविंद स्वामी ने 4 साल पहले एक प्रतिभाशी की भूमिका निभाने के लिए 2 पुरस्कार जीते थे। इन प्रतिष्ठा पुरस्कार के लिए IFPI उत्सव पुरस्कार और आनंद विकटन सिनेमा पुरस्कार शामिल है।